तो इस जगह आपको इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग मिलती है, यानी कि इस कार के अंदर में आपको इंटरनेट तक प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि मोबाइल का झमेला भी खत्म ही है, गाना वगैरह सब आप बजा सकते हैं। हफ्ते के लिए एक एयरबैग भी, तो आपके घर में जो नंबर आप प्रोवाइड किए हुए हैं आपके घर में वो नंबर, यानी कि जहाँ भी नंबर होगा उस पर एम जी 90 सेकेंड्स के अंदर में कॉल कर बता देगी कि आप। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज आपके सामने है वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ द एसयूवी, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा चुकी है आज के डेट में, और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स के साथ आती है जो कि इस सेगमेंट की एसयूवी अभी तक सोच ही रही है प्रोवाइड करने के लिए, और इस गाड़ी में आ चुकी है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि 50 लाख 60 लाख की गाड़ी तक में भी नहीं आते हैं और इसमें आते हैं, और इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ हैं जो फर्स्ट इन द सेगमेंट है। और जैसे कि सबसे पहले आप जान लें, जैसे कि ये MG हेक्टर प्लस है, शार्प में टॉप एंड वेरिएंट है। तो इसमें सबसे पहला आपको ऐसा सेगमेंट में क्या है जो नहीं मिलेगा, तो पेट्रोल इंजन आपको एसयूवी सेगमेंट में सबसे पहली गाड़ी है जो इसकी जो कॉम्पिटिटर अदर कंपनीज है, सबसे पहली ये गाड़ी है जो पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में बंद कराती है। और काफ़ी सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं सारे फीचर्स को। चलिए इसके साथ बात करें, इसे की के साथ कुछ इस टाइप का आपको की प्रोवाइड किया जाता है जिसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का बटन मिलता है। काफ़ी अच्छे प्रीमियम में की मिलता है आपको, स्मार्ट की मिलता है, कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है। बात करें इसके DRL के साथ, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा स्वाइपिंग DRL फर्स्ट इन द सेगमेंट आपको इस रेंज में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको कंप्लीट बाईफोकल LED हेडलाइट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आपको इसके DRLs भी मिलते हैं। इसको मैं ऑन करके दिखा दूँ, हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं इसके DRL ग्लो कर रहे हैं। काफ़ी एग्रेसिव लुक गाड़ी इसके चलते प्रोवाइड करती है। फ्रंट में आप देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज में आपको क्रोम, डार्क क्रोम और लाइट क्रोम फिनिश में आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिलता है। और MG की ये कार, तो MG की बैजिंग इस जगह आपको मिलती है। इस कार में फ्रंट में आपको 3 पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस जगह बात करें, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एयर इंटेक का जगह, और यहाँ पर आपको सिल्वर इंसर्ट में ही इसके प्रोवाइड किए जाते हैं स्किड प्लेट। देख सकते काफ़ी ह्यूज, और ऐसी इज वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटर अपने सेगमेंट की ये नई बनी हुई है, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं। चलिए हम लोग जब अंदर जाएंगे कार के अंदर, तो एक एक करके सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, और ऐसे ऐसे भी कितने फीचर्स हैं जो अभी तक कोई और कार 50-60 लाख रुपए की कार भी नहीं प्रोवाइड कर पाई है। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो आपको देख सकते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं डुअल टोन में, जिसके प्रोफाइल हैं 215/55R18। काफ़ी ब्रॉड और डायमंड कट अलॉय, बिग आर्चेस में अलॉय आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ORVMs के बारे में बात करें, तो ORVMs आपको काफ़ी ह्यूज ORVMs मिलते हैं। ये ORVMs आपको हीट के साथ भी मिलते हैं, यानी कि अगर आपके ORVMs पर सर्दी के समय या बारिश के समय ओस वगैरह जम जाए, तो इसमें डिफॉगर का भी ऑप्शन दिया गया है। आपकी हीट से ORVMs हीट करेंगे और जितने भी ओस वगैरह है सब वो हट जाएंगे। यहाँ पर आपको अगेन DRLs मिलते हैं LED में ही, और आपको 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर इस गाड़ी में किया जाता है। यहाँ पर आपको क्रोम और बॉडी कलर्ड में ही आपको डोर हैंडल मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलते हैं। कीज अगर आपको पॉकेट में है तो डोर लॉक अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉरिस गैराज का काफ़ी अच्छा बैजिंग दिया हुआ है। यहीं पर आपको फ्यूल लीड भी मिलता है, जिसकी कैपेसिटी है 60 लीटर्स की, और कंपनी क्लेम माइलेज आपको 16.6 KMPL का मिलता है। ड्राइविंग रेंज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर्स आपकी वन टैंक में आपकी गाड़ी चली जाएगी। सोच लीजिए काफ़ी ज़्यादा आपको ड्राइविंग रेंज भी इस कार ऑफर करती है, और काफ़ी स्लिक बॉडी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको रूफ रेल्स भी ऑफर किए जाते हैं सिल्वर कलर में। रेयर लुक में आप हैं, तो रेयर लुक में देख सकते हैं सबसे पहले तो काफ़ी ब्रॉड, और लगती ही नहीं है कि ये गाड़ी आपको 20-22-23 लाख में आपको ऑन रोड मिल जाएगी।
इस कार की सबसे खासियत सबसे अच्छी फीचर जो कि लग्जरी कार में प्रोवाइड की जाती है, लग्जरी से कम नहीं है ये, लेकिन जो रेंज में है उसमें काफ़ी सारी लग्जरियस फीचर प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपकी चाबी अगर आपके हाथ में है, आप ऐसे स्वाइप करें तो आपकी बूट जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और यहीं पर आपको इसके बटन भी मिलते हैं ताकि आपके बूट बंद हो जाए। बूट ओपन किया तो बूट से बात कर लें। अगर 6 सीट अगर आपके ऊपर है तो आपको 155 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप ये दोनों सीट्स को 50-50 रेशियो में आपको फोल्ड करने का ऑप्शन मिलता है, अगर ये फोल्ड कर दे तो कंप्लीट आपको 537 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है, जो काफ़ी यूज है। 4 आदमी के ट्रैवल करने के लिए काफ़ी आपको लगेज एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता है। और यहीं पर आप दिखा दें, अब सबसे लास्ट पैसेंजर के लिए यहाँ पर एसी वेंट्स के कंट्रोल, इस जगह फैन के कंट्रोल दिए हुए, यहाँ पर एसी वेंट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। और 2 कप होल्डर इधर और 1 कप होल्डर उधर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको LED में ही बूट लैंप भी ऑफर किया जाता है। इस जगह आपको टूल किट वगैरह सारा गाड़ी के ऑफर मिलेंगे, और इसके जो स्पेयर व्हील है आपको नीचे मिलते हैं, जो कि स्टील रिम्स में ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको टेलगेट बंद करना है तो आप यहाँ से ही एक सिंगल प्रेस में आपकी टेलगेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा LED में आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। और यहीं अगेन स्वैपिंग DRL, जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट है, कोई गाड़ी आपको स्वैपिंग DRL इस सेगमेंट में प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ पर आपको काफ़ी बिग साइज में रेयर विंडशील्ड भी मिलती है, जिसके रेयर डिफॉगर, वॉशर और वाइपर अवेलेबल की जाती है। यहाँ पर अगेन MG की बैजिंग काफ़ी ब्रॉड लुकिंग है, MG हेक्टर प्लस 6 सीटर है ये कार, 6 सीटर की यहाँ नंबर प्लेट लगाई गई है। 3-4 आपको पार्किंग सेंसर्स रेयर में मिलते हैं और 3 आपको सामने मिलते हैं। MG हेक्टर प्लस की बैजिंग इधर, और ये हाइब्रिड कार है तो आपको हाइब्रिड की बैजिंग इधर मिलती है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट बैक का लुक। आपको यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया जाता है, काफ़ी हैवी आपको डोर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ अगेन देखें तो डुअल टोन में आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। उससे पहले आप डोर पैनल में देख लेते, ये भी डुअल टोन में आपको डोर पैनल मिलता है। स्मोकी ब्राउन कलर है ये, और ये ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको ऑटो, 1 टच डाउन एंड 1 टच अप चारों विंडोज़ कंट्रोल मिलेंगे। यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन और यहाँ पर विंडोज़ लॉक करने के बटन मिलते हैं। काफ़ी अच्छा ग्रैब हैंडल आपको सिल्वर में, यहाँ 1 लीटर का बॉटल स्पेस और यहाँ पर कुछ स्पेस मिलता है। ये जो है लेदर का यूज़ किया गया, कंप्लीट लेदर सॉफ्ट टच में आपको मिलता है। चलिए इसी साथ बात करते हैं अब इसके इंटीरियर के बारे में। तो आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड का लुक देखने को मिलता है इंटीरियर में, काफ़ी प्रीमियम फिनिश में डुअल टोन आपको डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ स्मोकी ब्राउन कलर और ब्लैक कलर में आपको डैशबोर्ड का लुक मिलता है। आपको की प्लेस करने के लिए यहाँ पर जगह मिलता है, यहाँ आप रखें या फिर आपको यहाँ पर हैंडरेस्ट मिलता है, यहाँ पर आप की को प्लेस कर सकते हैं हैंडरेस्ट में। क्लच और ब्रेक करने पर सिंगल प्रेस पर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, डिजिटल प्लस एनालॉग आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स, TPMS वगैरह, ABS, जितने फीचर्स आप जानते हैं सारे फीचर्स इसमें हैं। एक बार फिर भी मैं दिखा दूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल का भी शो कर रहा है आपको, यहाँ पर TPMS हो गया, तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कितने आपकी गाड़ी चल रही है, कितनी चली है, सारे आपको मिलेंगे। स्टेयरिंग के साथ बात करें तो आपको डी कट में स्टेयरिंग व्हील मिलता है, काफ़ी ह्यूज और काफ़ी प्रीमियम फिनिश में आपको लेदर का भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको सारे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे, और इधर आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्टेयरिंग व्हील टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ ऑफर की जाती है। काफ़ी अच्छा आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है, ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। सारी कार इस सेगमेंट के जो भी है वो आपको हाइड्रोलिक स्टेयरिंग व्हील प्रोवाइड करती है, लेकिन ये पहली कार है इस सेगमेंट में जो कि इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग व्हील प्रोवाइड करती है। इस जगह बात करें तो इस जगह भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स, चारों एंगल देखने कंट्रोल, यहाँ पर आपको
काफ़ी सारे लेफ्ट राइट यानी कि ORVMs एडजस्ट करने के कंट्रोल आपको इधर मिलते हैं, और फोल्ड अनफोल्ड भी आप ORVMs को यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइट एडजस्ट करने का कंट्रोल, यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन बढ़ाने का कंट्रोल, और यहाँ से आप बूट को भी अंदर से भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि तीन चार जगह से आपको बूट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। चार ऐसे इवेंट्स आपको मिलते हैं जिसके सब में फैन कंट्रोलिंग के ऑप्शन के साथ आती हैं। इसके इंफोटेनमेंट से बात करें तो आपको 10.4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी बिग साइज में आपको आप देख सकते हैं, ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। आप इतना बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम आज तक कोई प्रोवाइड नहीं किया, इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, जितने भी कनेक्टिविटी, इनबिल्ट नेविगेशन वगैरह सारा चीज़ आपको मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रंट और रेयर के डिफॉगर का ऑप्शन, यहाँ वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ से आप इस सिस्टम को ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। कंप्लीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गियर नॉब प्रोवाइड किया जाता है जो कि 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। ऑटोमेटिक और DCT का भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक जो कि है क्रोम फिनिश में, और यहाँ पर ही आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप के बटन मिलते हैं जिसका कि काम है अगर आपकी गाड़ी जाम में खड़ी है तो इसको आप प्रेस कर दें तो आपकी गाड़ी जाम में ऑफ हो जाएगी, जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। यहाँ पर आपको 360 व्यू का कैमरा मिलता है, यानी कि एक कैमरा इधर है आपका इस जगह पर बाहर साइड में, दो कैमरा इधर और एक कैमरे पीछे है, यानी कि कंप्लीट 360 व्यू आपको देखने को गाड़ी में मिलती है, जो कि ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। आपको रेयर के AC वेंट्स के ऑन करने के कंट्रोल इधर, और पार्किंग ब्रेक के कंट्रोल इधर मिलते हैं, पार्किंग लाइट जलने लगती है देख सकते हैं। कंप्लीट इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, और इधर आपको हजार्ड लाइट ऑन करने के बटन मिलते हैं, यानी कि चारों आपके स्वाइपिंग DRLs और इंडिकेटर्स जो भी है वो आपके ऑन हो जाते हैं। यहाँ अगेन आपको सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है, लेदर फिनिश में कंप्लीट आपको देखने को मिलता है। इधर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का कंट्रोल मिलता है, यानी कि LED हेडलैम्प जैसे ही शाम होंगी आपकी चलने लगेगी। इधर आपको फ्रंट और रेयर के वॉशर डिफॉगर और वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। ये आपको कंप्लीट इंटीरियर लुक हुआ। फीचर्स के बारे में अब बात करें, फीचर्स में आपको वॉइस कमांड मिलता है, आई स्मार्ट कनेक्टिविटी मिलता है, और वॉइस कमांड बोले तो अगर वॉइस कमांड आप दें कि सनरूफ खुल जा सिम तो आपके सनरूफ कम्प्लीटली ओपन हो जाएंगी, यानी कि हिंदी इंग्लिश यानी कि हिंग्लिश वॉइस कमांड आपको मिलता है इस कार में, यानी कि ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। कोई कार आज तक हिंदी में वॉइस कमांड इस सेगमेंट की कार सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ पर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक IRVMs ऑफर किए जाते हैं। इधर आपको मिरर विथ लाइट, और इधर भी आपको मिरर विथ लाइट मिलते हैं। ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। आपको केवल को ड्राइवर साइड ही मिरर मिलता था, इधर भी आपको पहली बार मिल रहा है। आपको सारे फीचर्स आपको आई स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ, यानी कि 60+ फीचर, यानी कि आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, अगर आप किसी को गाड़ी दिए कितनी बार आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई है, बहुत सारे फीचर्स आप उस मोबाइल से ही आप देख सकते हैं आपकी गाड़ी किस जगह है। इसमें एक और है कि अगर आपके एयरबैग्स कहीं से भी डिप्लॉय, कंप्लीट 6 एयरबैग्स आपको ऑफर किए जाते हैं, आपके एयरबैग्स कहीं से भी अगर डिप्लॉय होते हैं यानी कि कहीं से भी ओपन होते हैं एक एयरबैग भी, तो आपके घर में जो नंबर आप प्रोवाइड किए हुए हैं आपके घर में वो नंबर, यानी कि जहाँ भी नंबर होगा उस पर MG 90 सेकेंड्स के अंदर में कॉल कर बता देगी कि आपकी गाड़ी कहीं कोलाइड कर चुकी है, आपके एयरबैग डिप्लॉय हो चुके हैं, और आपको कंप्लीट आपकी गाड़ी कहाँ है किस सिचुएशन में, कंप्लीट आपको MG आपके घर तक आपको, यानी कि सेफ्टी के मामले में भी MG। सनरूफ के बारे में बात करें तो कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है जिसके कंट्रोल के यहाँ से मिलते हैं, आपकी कंप्लीट सनरूफ ओपन हो जाएगी, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। यहीं पर आपको इसके सनग्लास होल्डर और केबिन लैम्प भी यहाँ से आपको मिलते हैं LED में ही, कंप्लीट यानी कि कंप्लीट LED का फिनिश किया गया है। कहीं भी आपको हेलोजन वगैरह तो देखने को मिलता ही नहीं, केवल फॉगलाइट्स आपको हेलोजन में मिलते हैं विथ कॉर्नरिंग फंक्शन, यानी कि जिधर आप गाड़ी मोड़ेंगे उधर आपके फॉगलाइट्स ऑन हो जाएंगे। आपको 9 स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं, या 4 ट्विटर हर गेट पे, और 4 स्पीकर्स भी हर गेट पे, और एक सब वूफर विथ एम्पलीफायर। आपको स्पीकर्स इन्फिनिटी के प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके वॉइस क्वालिटी टॉप नॉच है, उसको आप बीट नहीं कर सकते हैं। अब सीट्स के बारे में बोले तो कंप्लीट लेदर सीट का यूज़ किया गया है स्मोकी ब्राउन कलर में, और आपको सीट्स ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल 6 वे में मिलता है विथ हाइट एडजस्टिंग फीचर, एंड को ड्राइवर सीट यानी कि मैनुअल ही 6 वे एडजस्टिंग के फीचर्स मिलते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट
डैशबोर्ड का लुक, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट यानी कि 23-24 लाख के अंदर में जो कि इसके कॉम्पिटिटर है वो कार भी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कार भी प्रोवाइड नहीं करती है। यानी कि MG आज के डेट में फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, हालांकि अभी NCAP में टेस्टेड नहीं है, लेकिन आपकी सेफ्टी वगैरह के लिए ध्यान देती है। आपको ABS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट, हिल होल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, सारे फीचर्स आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। आपके AC वेंट्स के कंट्रोल भी इस गाड़ी में यहाँ पर ही मिलेंगे, स्क्रीन पर ही, आपको अलग से एडिशनल कंट्रोल नहीं मिलते हैं, स्क्रीन पर ही मिलेंगे। 360 व्यू, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट 360 व्यू का आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाता है। कंप्लीट 360 व्यू आपकी गाड़ी का दिखा रहा है यहाँ पर। इस गाड़ी में आपको एम्बियंट लाइट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि अभी देख सकते हैं यहाँ पर ग्लो रहे हैं, जो 2 कप होल्डर्स आपको दिया गया है इस जगह पर आपको एम्बियंट लाइट्स भी ग्लो करते हुए देख रहे। इसमें आपको ग्लव बॉक्स यहाँ पर जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब इसके साथ बात करते हैं इस गाड़ी के बीच वाले सीट के जो सीटिंग कंफर्ट है उसके बारे में। रेयर सीट का गेट यहाँ से ओपन कर लेते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए इसका डोर प्रोफाइल। डुअल टोन में अगेन यहाँ पर भी आपको डोर मिलता है, प्रीमियमनेस तो गाड़ी में कंप्लीट है। यहाँ पर आपको 1 कप होल्डर, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल, यहाँ पावर विंडोज और कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैकनेस में यूज़ किया गया। आप सिल्वर सेट में आपको डोर हैंडल भी मिलता है, ये भी सॉफ्ट टच में यूज़ किया गया है। यहाँ MG हेक्टर की स्कफ प्लेट जो कहा जाती है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें, फ्रंट वाले सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखे हैं। 6 सीटर है तो कैप्टन सीट्स आपको बीच वाले में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सीटिंग कंफर्ट में तो आपको स्पेस के मामले में कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे नी रूम और हेडरूम, तो गाड़ी काफ़ी ऊँची है, SUV है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है उस पर क्वेश्चनिंग करने का। आपको 4-वे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आपको इस सीट मिलती है। आपको यहाँ पर ट्विटर और स्पीकर मिलते हैं, जिसकी कि बैजिंग इन्फिनिटी की मिलती है हर एक स्पीकर और ट्विटर पे। अब इसके रेयर AC वेंट्स दिखा दूँ, तो आपको यहाँ पर रेयर AC वेंट्स मिलते हैं, जिसके कि फ़ैन के कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको केबिन लैम्प भी LED में ही मिलते हैं। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल वगैरह मिलते हैं। आप कंप्लीट सनरूफ का व्यू आप ले सकते हैं रात में इसका व्यू, या पहाड़ों में आप इस गाड़ी को लेके जाएं तो आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। अब ये 6 सीटर है, तो 6 सीटर में आपको सबसे मेन काम क्या रहता है, सबसे पीछे वाली सीट्स का क्या कंफर्ट है वो मायने रखता है। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो रेयर सीट में जाकर देखते हैं पहले इसका, यहीं से आपको कैप्टन सीट्स है, यहीं से आप इसमें रेयर सीट्स में एंटर कर सकते हैं। जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ और ठीक ठाक आपको स्पेस मिल जाता है, यानी कि सफोकेशन वाले फील तो नहीं आएगा, लेकिन हालांकि मेरा हाइट 6 फीट है तो उतना कुछ खास भी स्पेस नहीं, लेकिन ठीक ठाक स्पेस। इसके हाइट 5 फीट 10 इंच से कम है, उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। 300, 400, 500 किलोमीटर कितना भी जा सकते हैं, और बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये जगह पर स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलता है। यहीं पर मैंने दिखा दिया था आपको कि AC वेंट्स आपको इधर भी मिलेंगे सभी के लिए। चलिए अब इसी के साथ इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ले। चलिए अब इसके इंजन के बारे में बात कर ले, तो उससे पहले देख ले, आपको 18 इंच के अलॉय मिलते हैं और चारों चक्के में आपको डिस्क प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बोनट ओपन कर लेते हैं पहले। बोनट ओपन करने से पहले ये बता दूँ कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है। फ्रंट के दोनों सीट्स में आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है, यह भी फर्स्ट इन सेगमेंट है, जो कि सबसे पहले यही कार जो थी इस सेगमेंट में प्रोवाइड की थी। अब तो शायद आ गई है कार, वो उसमें भी आती है, लेकिन पहले यही प्रोवाइड की थी। देख सकते हैं यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट का फीचर्स मिलता है। यहीं पर आपको फ्यूल लीड का ओपन करने का भी ऑप्शन मिलता है, उसके बगल में आपको बोनट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। तो काफ़ी हैवी आपको बोनट मिलता है, काफ़ी ताकत लगाना पड़ा। और गाड़ी में कोई भी इंजन नॉइज़ नहीं आता, क्योंकि इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि इंजन नॉइज़ केबिन में एक भी नहीं है, वैसे ही में भी इंजन नॉइज़ नहीं आता है। टर्बो चार्ज आप देख सकते हैं, टर्बो चार्ज इंजन आपको मिलता है, यानी कि 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज 1500 cc का ये गाड़ी इंजन प्रोवाइड करता है, जो कि 143 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर आपको देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस SUV के लिए। और ये पेट्रोल में है इसलिए आपको कुछ संख्या कम लग रहा होगा, लेकिन डीजल में आपको टॉर्क आपको 350 Nm का ही मिलता है। ये फर्स्ट इन सेगमेंट है जो पेट्रोल में आपको
SUV दे रही है। बाकी इसके कॉम्पिटिटर जो भी है, इसके जो भी कॉम्पिटिटर है, आपको पेट्रोल इंजन में प्रोवाइड नहीं करते, केवल डीजल इंजन में ही वो गाड़ी आपको आती है। इसके रेट के बारे में बात करें तो 19,24,800 रुपीज़ आपको एक शोरूम प्राइस पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया। और इसके ऑन रोड प्राइस स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी वैरी करते हैं। हमारे यहाँ यानी कि रांची में जो MG मोटर्स है, यहाँ पर आपको लाइन टैंक रोड में आपको एक शोरूम या ऑन रोड प्राइस यानी कि घर ले जाने के लिए 22,836 रुपीज़ में आपको घर ले जाने के लिए कार मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए होगा, तब अगर हमारे रेफरेंस से आते हैं तो जरूर कुछ न कुछ जरूर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ही। ऐसे के साथ अब SUV है तो इसके डायमेंशन के बारे में बात करें तो काफ़ी ह्यूज आपको डायमेंशन मिलता है, देख सकते हैं काफ़ी बोल्ड लुकिंग और बिग साइज SUV है, तो डायमेंशन भी कुछ उसी टाइप का मिलता है। तो आपको इसका लेंथ 4720 mm का लेंथ मिलता है, विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है काफ़ी ह्यूज है, तो आपको 1835 mm का इसका विड्थ मिलता है, जो कि बड़ी बड़ी कार में भी मिलता है। और इसका जो हाइट है आपको 1760 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो SUV है तो ग्राउंड क्लियरेंस भी कुछ इसी टाइप का रहेगा, 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये पहली कार है जो कि इतने सारे फीचर्स इस प्राइस रेंज में, जो कि लग्जरी कार अभी कोई कोई ऑफर नहीं करती है, किसी कार में ही वो फीचर्स आती हैं, वो ये प्रोवाइड करती है। अगर आपको MG से रिलेटेड कोई भी कार के बारे में कोई भी जानकारी लेना होगा तो आप MG मोटर्स में आ सकते हैं, जो कि लाइन टैंक रोड में, आपके सारे डिटेल्स फ्लैश होते हुए दिखे जाएंगे। और आपको यहाँ पर सारे चीज़ यानी कि टेस्ट ड्राइव, गाड़ी से रिलेटेड सारे चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। रुको आप देखेंगे तब डायमेंशन। Finding life alone.